दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारी आने वाले आईपीएल के लिए जोरों पर है। आप सबको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन का सतर पिछले कुछ सीजन में गिरा है। पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पास ब्रेंडन मैकुलम, माइक हसी, डेवन स्मिथ, शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस जैसे शानदार बल्लेबाज जो चेन्नई को बढ़िया शुरुआत देते थे। इनके जाने के बाद चेन्नई को शुरुआती ओवरों का अच्छा बल्लेबाज नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक ऐसा खिलाड़ी फॉर्म में आ गया है जो चेन्नई को एक बार फिर से शानदार शुरुआत दे सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 3 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। पिछले सीजन में उनका बल्ला एकदम शांत था। आईपीएल 2022 के 14 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 368 रन ही निकले थे, जबकि आईपीएल 2021 के 16 मैचों में 635 रन बनाए थे। ऋतुराज का पिछला सीजन भले ही खराब गुजरा था, लेकिन अब वह अपने घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। उनका बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में आग उगल रहा है। ऋतुराज ने विजय हजारे में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 220 रन की पारी खेली थी, जिसमें एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्कों का ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इससे पहले ऋतुराज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। कप्तान धोनी गायकवाड़ पर बहुत विश्वास करते हैं। अब तक ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल में 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1107 रन निकले हैं। पिछले सीजन को अगर जाने दिया जाए तो ऋतुराज चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाजों की जो चुनौती है उसे समाप्त कर देंगे। आप सबको बता दें कि अगला आईपीएल अगले साल मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।